तो मैं आज उनको यहाँ पर नमाज पढ़ाने के लिए उनको कहा मैं, तो वो आकर जो है यहाँ पर इमामत करें, जोहर की नमाज अदा हुई और दुआएं करें, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अमन वमान के लिए और पूरा पीसफुल रहना बोल के जो है हैदराबाद और पूरे इंडिया, तेलंगाना और हुकूमतों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पर पीसफुल हुकूमतें चलना है और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल के दुआ भी हुई, पूरे लोग अच्छे रहना बोल के, सेहत और ईमान की ताकत से रहना है बोल के, और उन्होंने फिर अभी यहाँ से कहीं और जगह गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन्होंने यहाँ पर जो है जो नमाज की अदायगी जो करे, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद इमाम अक्सा का, क्योंकि क़िबले अव्वल है, क्योंकि तीन जगह नियत करके जा सकते हैं अपन, मस्जिद हरम काबे शरीफ को और मस्जिद नबी भी और मस्जिद अक्सा, यहाँ पर तीन जगह अपन नियत करके जा सकते हैं कभी भी। और ये बहुत बड़ी बात है, वहां के इमाम बोले तो सराखों पे हमारे लिए, और उनका कितना भी एहतराम करे कम है इमाम साहब का। और वहां पर भी जो परेशानी है फलस्तीन वगैरह में भी, मैं भी पूरे हुकूमतों से मेरी अपील है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है ताउन करने के लिए, वहां की आवाम के लिए जो आज गरीब और बहुत परेशान है वहां पर, तो मेरी पूरी दुनिया के हुकूमतों से मेरी अपील है, वर्ल्ड वाइड के सब लोग मिलकर खाने पीने के लिए उन लोगों को सपोर्ट करिए, उन लोगों को जो है जो मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतों से मेरी अपील है, इंडिया से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से, कि आप लोग सपोर्ट करिए, वहां की आवाम बहुत परेशान है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कानून हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है उसको हम ओटेक नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रखते हुए हम हर चीज बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए वहां की आवाम के लिए। ये मस्जिद का, मंदिर का, चर्च का अपने अपने जो है ना एहतराम करना चाहिए, और ये जो हुआ है बहुत गलत है, सब मिलकर इसको कंडम करना चाहिए। और हुकूमतों से भी मेरी अपील है कि फिरके वाराना ऐसी चीजा नहीं होना चाहिए, पीसफुल इंडिया हमारा पीसफुल रहना चाहिए, कोई हिंदू कोई मुस्लिम लड़ता नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के हम लोग रहते हैं सब लोग यहाँ पर, और वैसे ही रहना चाहिए। ये कोई जो भी कर रहा है शरंग रजी, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।